गाइज गुड इवनिंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज लोग आप लोग को एक नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही काफी मजेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक जरूर देखिए और जितना भी सारा चीज होगा सारा चीज कवर करेंगे। तो आज दोस्तों यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल जो ट्रेड फेयर है 2022 का, तो ये इंडस्ट्रियल मेला लगा हुआ है। इस मेला का वीडियो इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा और पूरा सारा चीज इसमें एक्सप्लोर करेंगे, तो आप लोग डिटेल्स में इसमें देख पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किया स्टार्ट से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोग को पूरा नजारा इस वीडियो में दिखाएं। तो चलिए चलते हैं। उसका नजारा है, गेट है। तो गाइज मेला का जो बाहर का दृश्य इस तरह ही देखा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग ऐसा टेंटिंग हुआ है और यहाँ पर मेट चारों तरफ गिरा है। एक प्रवेश एंट्री द्वार है और इस तरफ से हम अंदर जाएंगे और अंदर आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ बहुत सारे हैंडक्राफ्ट और हैंडमेड मटेरियल्स, यहाँ पर जो हैंडलूम का मटेरियल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा और बहुत सारे गाड़ी का शोरूम वाले भी यहाँ पर डिस्प्ले पर गाड़ी लगाए रहते हैं और अपना एडवर्टाइज करते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर लेकर चलते हैं और आप लोग को अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि क्या मिल रहा है अंदर में और क्या क्या मिल रहा है। तो चलिए अंदर चलने से ही पता चलेगा और देखते रहिए, आप लोग को लेकर जाते हैं अंदर। दोस्तों ये वाणिज्य मेला नवंबर का 18 से 28 तारीख तक का यह मेला लगता है, जो कि 10 दिन का ड्यूरेशन रहता है और 10 दिन में काफ़ी जगहों से दूर दूर से भी यहाँ पर आते हैं और जितने भी हस्तकला हो, हस्तशिल्पी और बहुत सारे हैंडमेड मटेरियल्स का यहाँ पर बिक्री वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ है। ये ऑफिस है उसका, जो कमेटी वाला ऑफिस है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये ऑफिस है। और उसके बाद में आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज का अपना यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं और अपना सामान का एडवर्टाइज करते हैं और कस्टमर के साथ डील होता है और कस्टमर जो भी लेना अगर चाहते हैं तो उनका ये होता है। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा एक फ्लावर पॉट का यहाँ पर डिस्प्ले लगाया गया है। यहाँ पर आप घर के लिए डेकोरेट करने के लिए बहुत सारा यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सामान यहाँ पर इस तरह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बहुत सारा है, आप लोग देखिए एंजॉय करिए। और यहाँ से फिर आगे भी लेके जाएंगे, जो जो चीज़ मिल रहा है तो सारा चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। फूल भी देखिए पूरा ताज़ा फूल की तरह लग रहा है, ये भले ही प्लास्टिक का है, इसमें कोई सुगंध नहीं है ना ही कोई कुछ इसमें टेस्ट है, लेकिन देखने में बिल्कुल ताज़ा जैसा ही लग रहा है। दोस्तों ये देखिए हर एक माल वाला दुकान लगा हुआ है, पूरा हर एक माल वाला पूरा लाइन लाइन लंबा लंबा। यहाँ बहुत सारे ऐसा जो केबिन लगा हुआ है और इसमें सारा व्यापारी यहाँ पर आए हैं अपना सामान बेचने के लिए। तो ये सब पूरा लंबा लंबा, तो आगे देखिए चलते हैं आप लोग को दिखाते हुए। ये देखिए इमिटेशन ऑर्नामेंट्स वाला दुकान है, यहाँ पर जो ऑर्नामेंट होता है, जो ज्वेलरी होता है, ये सब यहाँ पर मिलता है, जो कि इमिटेशन वाला होता है, जो गारंटेड होता है 6 महीना का ये का। और ये देखिए लेडीज आइटम भी यहाँ पर है, जैसे लेडीज लुक। और ये देखिए दोस्तों ये यहाँ अक्षय मंडप लिखा हुआ है और यहाँ पर डांस प्रोग्राम होता है और ये डांस प्रोग्राम यहाँ पर होता है। तो ये स्टेज बनाया गया है और दोनों साइड में डिस्प्ले बड़ा बड़ा लगा हुआ है और यहाँ बहुत सारा कुर्सी देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, जो लोग यहाँ पर बैठ के देखते हैं उसका दृश्य। पर देखिए एक कटक का प्रसिद्ध ठुमका पूरी, जो पिछले वाला वीडियो में आप लोग को मेला वाला दिखाया था ना काली पूजा का, ठुमका पूरी यहाँ पर ठुमका पूरी मिल रहा है दोस्तों, कटक का जो प्रसिद्ध ठुमका पूरी। और ये देखिए बहुत सारे हैंडलूम का दुकान यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पर देखिए हैंडीक्राफ्ट लोग कितना मेहनत करके सब बनाए हैं दोस्तों, और ये सब घर में सजाने के लिए रखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर चीज़ें बनाया गया है, जो यहाँ पर देखिए हाथी बनाया है और गाय बनाया हुआ है, सेंड़ सांड घोड़ा, ऐसा बहुत चीज़ें ऐसा पर
यहाँ पर बनाए हैं और जो चीज़ बेच रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये जो चिड़िया, छोटे छोटे चिड़िया होते हैं ना, उल्टा टंग लटकते हैं, तो उसी का जो घर होता है वही चीज़ बनाया गया। ये देखिए फोटो फ्रेमिंग है, जो कि फोटो के अंदर में फ्रेमिंग किया गया है और ये सब यहाँ पर डिस्प्ले पर रखा गया है। और यहाँ पर देखिए लेडीज़ लोग का जो वैनिटी बैग है, ये वैनिटी बैग यहाँ पर बहुत मिल रहा है। और चांदुआ बोलते हैं इसको दोस्तों, ये चार कोना वाला जो चांदुआ है, ये सब मिल रहा है। बहुत सारा चीज़ें हैं देखने को मिल रहा है, तो आप लोग देखिए। अगर आप लोग भी आसपास में रहते हैं और आप लोग भी आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं दोस्तों। ये देखिए शोरूम वाले यहाँ पर गाड़ी डिस्प्ले में लगाए हैं, आप लोग भी अगर गाड़ी का ऑफर वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप लोग बात भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अचार का स्टॉल है और अचार का नाम सुनते ही मुंह में लार आ जाता है दोस्तों, पानी आ जाता है। तो यहाँ पर अचार मिल रहा है और बहुत सारे दुकान हैं यहाँ पर, और सभी स्टॉल को आप लोग को एक एक झलक दिखा रहा है, आप लोग देखिए एंजॉय करिए दोस्तों। और बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारा स्टॉल, कुछ लोग ऐसे बाहर में नीचे बैठ के भी अपना व्यवसाय चलाए हैं। और ये स्टॉल का नज़ारा दोस्तों, हमें एक चीज़ पसंद आ गया यहाँ पर और हमने ये चीज़ें लेने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। देखते हैं दोस्तों, इसे आर्ट वाइब कहते हैं और ये घर में हैंगिंग किया जाता है, और हैंगिंग करने से घर में नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म होता है और पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ से पैदा होता है। तो दोस्तों ये घर में अवश्य टांगना चाहिए, तो ये हम ले रहे हैं और इसको ले जाएंगे, दो चार पीस ले जाएंगे। तो दोस्तों अभी शाम के 7 बजे हैं और आई होप कि उधर जो स्टेज बना है उस तरफ डांसिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया होगा, तो उधर चलेंगे अभी, आप लोग को लेकर जाएंगे, उधर भी दिखाएंगे। तो इस तरफ का जो नज़ारा इस तरह है, आप लोग स्क्रीन में बढ़िया से देख रहे होंगे, ये झूला वगैरह है और बच्चे लोग के खेलने के लिए सारा इंतज़ाम इधर है।
और इधर भी इतना भीड़ भड़ा काज है नहीं, और उधर इधर से हम अभी निकलेंगे और जाएंगे डांस प्रोग्राम जो वहाँ होता है वहाँ पर देखेंगे। अगर डांस चालू हो गया तो आप लोग को कुछ उसका नज़ारा भी दिखाएंगे, तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं और दिखाते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए। तो गए इधर जो डांस प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया है आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, और यहाँ पर तो नन्हे बच्चे हैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से अपना डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और ये गाना है दोस्तों जिस देश में गंगा बहती है, और इस गाना को ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों हज़ारों के तादाद में यहाँ पर दर्शक यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर डांस का पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर साउंड सिस्टम के साथ लाइटिंग सिस्टम के साथ यहाँ पर स्टेज में परफॉर्मेंस हो रहा है। तो लोग यहाँ पर काफ़ी भीड़ जमे हैं, जैसे मेला के चारों ओर अगर भीड़ नहीं भी है लेकिन यहाँ पर आप लोग को बहुत ही तादाद में यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगा। बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर भीड़ लगा है और ये बच्चे लोग अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ज़्यादा देर तो यहाँ रहेंगे नहीं। और ये बच्चे लोग का जो डांस प्रोग्राम है इसमें जो परफॉर्मेंस होता है आप लोग को ये परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और बाकी सारा तो दिखा लिया आप लोग को। और ये था जो ट्रेड फेयर 2022 यानी कि जो वाणिज्य मेला 2022 का ये नज़ारा रहा दोस्तों। आप लोग को सारा चीज़ इसमें दिखाया, और ये जो मेरे पीछे में आप लोग देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर है, ये मौत का कुआं है, और यहाँ पर जो मोटरसाइकिल और मारुति कार भी यहाँ पर रेसिंग करते हैं। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कल इसका स्टार्ट होगा, तो आई होप कि कल हम आएंगे तो इसका वीडियो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।